लजीज खाने का हर कोई दीवाना होता है, ऐसे में कुछ आइटम सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे होते हैं। बावजूद इसके हम पैसों की परवाह किए बिना इनका स्वाद जरूर लेते हैं। वैसे तो बाजार में हर रोज नई नई डिशेज को लेकर प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन कुछ खास चीजों से तैयार की गई डिश की कीमत लाखों रुपए में पहुंच जाती है। वर्ल्ड की कुछ ऐसी हिट डिशेज है जिनकी कीमत आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे फूड आइटम के बारे में। नंबर एक, इटालियन व्हाइट हलवा ट्रफल। इटली और क्रोएशिया का व्हाइट हलवा ट्रफल दुनिया का सबसे महंगा फूड है। इस ट्रफल की कीमत 1,60,406 डॉलर यानी 99,60,723 रुपए करीब 1 करोड़ के लगभग है। इस ट्रफल को हांगकांग के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। इसका वजन 1.51 किलोग्राम था। नंबर दो, अलमास केवियार। यह डिश ईरान की है। ईरान में यह बहुत ही रेयर फूड आइटम है। केवियार खास मछली के अंडे होते हैं। यह डिश उन्हीं से तैयार होती है। यह अंडे पहले से ही बहुत महंगे होते हैं। यह केवियार पूरे लंदन में सिर्फ केवियार हाउस एंड पुर्नियार नाम के स्टोर पर मिलते हैं। यहाँ किलो के हिसाब से केवियार मिलते हैं और 24 कैरेट गोल्ड के डब्बे में बेचे जाते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ इसे चखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 76,575 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर तीन, स्वेलोज नेट सूप। स्वेलोज नेट सूप एक चीनी व्यंजन है। इनको निगले हुए पक्षियों के घोंसले से बनाया जाता है। चूंकि उनके घोंसले पूरी तरह से लार से बने होते हैं और इनमें चीज नहीं रहती, ऐसे में इनकी कीमत बढ़ जाती है। यह करीब $3,000 प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। नंबर चार, केसर। केसर की कीमत 660 रुपए प्रति ग्राम यानी 660 रुपए प्रति किलो है। केसर को वजन के हिसाब से देखा जाए तो यह दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। इसे मिठाई, दूध, खीर जैसी अन्य खाने वाली चीजों में प्रयोग किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग दवा और अन्य चीजों में भी किया जाता है। नंबर पाँच, मूस चीज। स्वीडन के मूस हाउस से फार्म से मिलने वाला यह पनीर दुनिया की सबसे महंगी फूड लिस्ट में शामिल है। इसके द्वारा हर रोज 5 लीटर दूध के साथ इस पनीर का उत्पादन होता है। इसकी कीमत $1,024 है। मैटसुट के मशरूम। यह दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है। यह पूरी दुनिया में सिर्फ एशिया, नॉर्थ अमेरिका और जापान में मिलता है। जापान के रेन पाइन पेड़ के गिरते हुए पत्तों पर यह उगता है। इसकी फसल तो आसानी से होती है, लेकिन इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से जापान में हर साल सिर्फ 1,000 टन के मैटसुके मशरूम की खेती होती है। नंबर सात, कोपी लुआक कॉफी। कॉफी कोपी लुआक, इसका स्वाद लेने के लिए लोग दुनिया भर से इंडोनेशिया आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार इसका स्वाद चख लेता है तो उसे दूसरी कॉफी पसंद नहीं आती। इसकी कीमत $250 से $1,200 प्रति किलो है। यूबरी किंग मेलनस। यह एक खास खरबूजा है। यह यूबरी किंग खरबूजा अपनी मिठास की वजह से 14 लाख का है। इसे खरीदने के लिए बकायदा नीलामी होती है। साल 2008 में 100 से ज्यादा खरबूजों को ब्लॉक कर दिया गया था। हाल ही में एक बिजनेसमैन ने एक खरबूजा 14,08,991 रुपए में खरीदा था। नंबर 9, डेंसुके ब्लैक वाटरमेलन। यह तरबूज सिर्फ जापान के होक्केंदो शहर में मिलता है। इसकी खास वैरायटी डेंसुके यही मिलती है। यह पूरे साल में सिर्फ 1 दर्जन ही उगाए जाते हैं। खाने में तरबूज काफी स्वादिष्ट होता है। यह 4 लाख रुपए में सिर्फ 15 पाउंड यानी 7.71 किलो वजन का ही तरबूज मिलता है। नंबर 10, डोमिनिको कुरलाज पिज्जा रॉयल। डोमिनिको कुरलाज एक स्टोकिश सेफ की डिश है। इनके हाथ के बने 007 के नाम से फेमस इस पिज्जा को काफी पसंद किया जाता है। 12 इंच के इस पिज्जा में कॉगरेक एक प्रकार के अंगूर की शराब में भीगे लोम्बेस्टर, शैंपेन में डूबे कैवियार, टमाटर सॉस, स्टोकिश सैल्मन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इस पिज्जा पर 24 कैरेट गोल्ड के फ्लेक्स डाले जाते हैं। इसका ऑर्डर आप घर पर नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।